पर। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में दिशा मीटिंग के दौरान सांसद और विधायक के बीच तीखी झड़प का मामला प्रकाश में आया। बता दें कि बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की मीटिंग चल रही थी, जिस दौरान जबरदस्त बवाल दिखता नजर आ रहा। कुछ लोग मीटिंग हॉल के बाहर गाली गलौज करते भी नजर आए। अध्यक्ष जो ही कहेगा वही हो जाएगा। क्या हो गया पिताजी? अरे महाराज, अध्यक्ष जो है जिसको चाहता है उसी को जो है बैठक में वही बैठेगा। ये मेरे सिद्धांत और विचारों के खिलाफ। बैठक के लिए एक सूची होती है, सूची में जो लोग चिन्हित है उन्हीं को बैठक में रहना चाहिए, और जो है अनावश्यक अपने लोगों को बैठा करके जो है अब कोई विधायक तर्क कर रहा है तो आप सब बोलने लगते हैं कि क्यों बात कर रहे हैं। कोई बात हुई नहीं, दिशा की बैठक में एक सूची होती है, सूची के अनुसार जितने लोग निश्चित होते हैं उतने लोगों को बैठना चाहिए, और जो है अध्यक्ष जो है मनमानी करता है। खुद जो है अभी सिंहपुर के भाई महान आदमी जो है 25 बीघा खेत अपने हड़प लिया है। अभी मैं विषय उठाने ही वाला था तब तक जो है अब पीछे सब ये करने लगे। सर कौन अध्यक्ष जी कौन है वो? अरे अध्यक्ष जी हमारे बलिया के सांसद जी हैं, और कौन है भाई? हम लोग मीटिंग का बहिष्कार करके जा रहे हैं। सर तो कौन सी किस मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं सर? क्या कुछ दिशा की मीटिंग का और क्या बहिष्कार कर दिया सर? हाँ किस बात को लेकर सर बहिष्कार किया आपने? भाई बहिष्कार ये है कि जिसको चाहते हैं वही बैठक में रहेगा। बैठक के लिए निश्चित है प्रतिनिधि बैठना चाहिए, जो उनके लोग अनावश्यक लोग तो बैठेंगे नहीं। ये जो है जिसको चाहते हैं उसको बैठाते हैं, हम मनमानी काम करते हैं, हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम क्या सर मंत्री सर कौन कौन मनमानी कर रहा था? कौन मनमानी कर रहा था? अरे सांसद बलिया सांसद चले गए, मंत्री तुम लोग चले गए? मंत्री तो चले गए जी। क्या कारण है चले गए? ऐसी कोई बात नहीं, बात ये हुई मीटिंग की एक व्यवस्था होती है कि हमने कहा कि विभाग के लोग अपनी समीक्षा और समीक्षा अपनी प्रस्तुत कर, फिर विधायक अपनी बात कहें, तो दबाव बनाकर कोई अधिकारियों पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाएंगे और गलत काम करने देंगे तो मैं उस मीटिंग का चेयरमैन हूँ, मेरा विशेषाधिकार होता है, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। विधायक का आरोप है कि आप द्वारा अनावश्यक लोगों को बैठाया गया था, प्रतिनिधियों को बैठाया गया था। विधायक के आरोप हमारे ऊपर आरोपित नहीं हो सकते, मेरे जानकारी के लिए मेरे साथ जितने लोग होना चाहिए वो होंगे। विधायक जी आरोप लगा रहे थे कि आपके साथ कोई मंत्री। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।